अखिल जी जिसका दिल्ली में राज चलता था, उसको पता चलता है कि जो चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह हैं, उनकी पत्नी पद्मावती बहुत खूबसूरत है। राणा रतन सिंह से आके वो खिलजी मित्रता कर लेता है और राजा रतन सिंह को न्यू कहने लगा कि यार मैंने सुना है तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, मैं तेरी पत्नी का चेहरा देखना चाहता हूँ। राणा रतन सिंह ने यह कह दिया कि हमारे घराने में हिंदू घराने में पतिवर्ता स्त्री होती है और पतिवर्ता स्त्री ना किसी गैर पुरुष को अपना चेहरा दिखाती और ना किसी गैर पुरुष का चेहरा देखना पसंद करती। फिर भी जिद करता है वो खिलजी। राणा रतन सिंह खिलजी के कहने के बावजूद रानी पद्मिनी के पास पहुंचे, पद्मिनी को सारी बातों का हवाला बताया। पद्मिनी ने न्यू कह दिया, महाराज अगर ज्यादा ही जिद करते हो चेहरा तो दिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त के साथ चेहरा दिखाऊंगी कि मैं शीशे के सामने बैठूंगी, पीछे से आके वो खिलजी मेरा चेहरा देख लेगा, सामने से चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसे ही होता है, पद्मिनी शीशे के सामने बैठ गई प्रेमी श्रोता, और पीछे से आके अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देख लिया। जब रानी पद्मिनी का चेहरा खिलजी ने देखा तो चक्कर खा के गिर जाता है और अपने मन में ये सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो इस पद्मिनी को तो मैं अपनी बेगम बना के रहूंगा। वापस दिल्ली पहुंचा और राणा रतन सिंह को ये कहकर गया कि अब तुमने हमारी खातेदारी की है, अब हम तुम्हारी खातेदारी करना चाहते हैं। धोखे से राणा रतन सिंह को दिल्ली बुला लिया और बंदी बनाकर कैद में डाल दिया प्रेमी श्रोताओं, और खिलजी ने चिट्ठी लिखवा दी पद्मिनी के पास कि या तो युद्ध करके अपने पति को छुड़ा ले, और अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो चुपचाप अपना डोला लेकर मेरे दिल्ली में आ जा, मेरी बेगम बन के रहे। वो छत्रानी उस चिट्ठी को पढ़कर कैसे रोती है, क्या लिखा कवि ने, आइए इस किस्से की दो रागनी रखूंगी, कैसे क्या बताया। हे रे खिलजी की ची थी ने पढ़ के सती रोई बेसुमार, रे क्या यतन बनाऊं फिरे दिल्ली में भरता, क्या यतन बनाऊं फिरे दिल्ली में भरता। हो हो
सोचने लगी चाहे कुछ भी हो, अरे मैं युद्ध करूंगी, मैं छुड़ा के लाऊंगी अपने पति को। लेकिन फिर न्यू सोचने लगी, आखिरकार तेरी औरत की जात है, तू किस किस से युद्ध करेगी? तो जो महलों में बुढ़ी ठेरी औरत थी वो भी क्या तरकीब बताती है, क्या कहने लगी बोला। किस तरह से तीसरी लाइनों में कवि ने क्या लिखा के बताया बोला। क्या लिखा अंतिम लाइनों में
राम ही माती जो सत्य ने ना ठुकरा Yeah.